A very good morning to my lovely students. How are you all? Well, I hope you all are good at your home. This is Sanjul Verma, your craft teacher from Shivaji Group of Institutions. Here, I warm welcome to you all in the activity online classes. Students, today is Saturday. We are going to do some creativity. You know, children, today is Saturday, so we are going to do some creativity that is based on pencil based and matchstick. So to make this picture, we will require some materials, and that required things are that is color pens, Fevicol, scale, few pencils, sharpener, few matchsticks, and the last but not the least, that is art sheet. Students, pencil shaving होता क्या है? Pencil को जब हम sharp करते हैं तो उससे जो stuff निकलता है, extra waste होता है, वो होता है हमारा pencil stick. तो हम सबसे पहले pencil को sharp करेंगे और pencil का waste collect करेंगे. Now, let's start to make it. We will take art sheet and draw a border from all four sides. In the next step, we will draw a picture of flower vase. बहुत ही light hand use करके draw करेंगे. Then, in the next step, you can take color and color the bottom part of flower vase. Do color carefully. Outline कर लेंगे पहले, उस तरह से look आ जाएगा color fill करने के बाद. आप कोई भी color use कर सकते हो, whatever you have. In the next step, we will take matchsticks and Fevicol and we will start pasting from bottom part of vase. बहुत ही carefully हम इसको step को करेंगे complete. और ध्यान रखेंगे इक्वली वे में, सेम वे में आपका मैनर में मैच स्टिक्स स्टिक होनी चाहिए एक सीक्वेंस में, जैसा आपको दिखाया जा रहा है इस वीडियो में, उस स्टेप को फॉलो करते जाएंगे और इस तरह से पूरा करते हुए आपका ये मैच स्टिक्स का पूरा कंप्लीट हो जाएगा और वो कुछ लुक इस तरह से आएगा. नाउ यू कैन सी इन योर क्राफ्ट योर ऑलमोस्ट लुक इज रेडी. नाउ टेक सम पेंसिल शेविंग एंड फेविकॉल, ड्रॉ फ्लावर लीव्स, पेटल्स, स्टिक इट प्रॉपरली. एक फ्लावर का शेप देने के लिए पेंसिल शेविंग को हम बहुत अच्छे से यूज़ करेंगे. फिर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, स्केच कलर से लीव्स ड्रॉ करेंगे प्रॉपरली. देन इन द नेक्स्ट स्टेप यू कैन सी योर पिक्चर इज ऑलमोस्ट रेडी. नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप वी विल शेड द फ्लावर्स. इस तरह से फ्लावर्स को आप अच्छा एक इफेक्ट दे सकते हो. एंड थैंक यू फॉर द वॉचिंग एंड स्टे वाइज, स्टे सेफ, स्टे होम. जो भी आप क्राफ्ट करोगे उसको ब्रीफ भी करना है. थैंक यू. और आपका इस तरह से पूरा लुक रेडी हो जाएगा. थैंक यू. ड्रॉ फ्लावर लीव्स, पेटल्स, स्टिक इट प्रॉपरली. एक फ्लावर का शेप देने के लिए पेंसिल शेविंग को हम बहुत अच्छे से यूज़ करेंगे. फिर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, स्केच कलर से लीव्स ड्रॉ करेंगे प्रॉपरली. देन इन द नेक्स्ट स्टेप यू कैन सी योर पिक्चर इज ऑलमोस्ट रेडी. नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप वी विल शेड द फ्लावर्स. इस तरह से फ्लावर्स को आप अच्छा एक इफेक्ट दे सकते हो. एंड थैंक यू फॉर द वॉचिंग एंड स्टे वाइज, स्टे सेफ, स्टे होम. जो भी आप क्राफ्ट करोगे उसको ब्रीफ भी करना है. थैंक यू. और आपका इस तरह से पूरा लुक रेडी हो जाएगा. थैंक यू.